नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे NCERT कक्षा 7वीं की, हमारा अतीत सेकेंड के नाम से जो आपकी बुक्स है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो याद रखना, कक्षा 6वीं की सभी बुक्स हमारे लिए जो महत्वपूर्ण थी देख चुके हैं हम लोग, और कक्षा 7वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के बारे में देख चुके हैं, और ये हमारी हमारा अतीत भाग 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक आपके 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पांचवा चैप्टर खत्म किया था शासक और इमारतें। इसमें बात करने वाले हम लोग नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। एक बात को मैं बार बार कहता आया हूं और कहता रहूंगा कि इसे एक कहानी की तरह सुनिए फिर चाहे पढ़िए, क्योंकि इसमें अगर दिमाग लगाओगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर आप हड़बड़ा के पढ़ोगे या देखोगे बिल्कुल आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसे एक कहानी की तरह पढ़ना है। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर नगर था या फिर एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर या फिर एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर थे और साथ साथ मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के केंद्र भी थे। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के कुछ प्रमुख केंद्र। ये आपका काबुल, पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, ठीक है, सोमनाथ हो गया, अहमदाबाद हो गया, बीदर हो गया, यहीं गोलकंडा हो गया, या मदुरे, उरेयु, तंजावुर, यहीं महाबलीपुरम, मद्रास, तिरुपति, ठीक है, यहीं आपके हम्पी। बात करते हैं प्रशासनिक केंद्र। अध्याय 2 में हम आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा है। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था की यात्रा पर चले। बस में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास से बहती है। कहाँ से? तंजावुर से। राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरू पेरूचंद की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल भी हैं जिनमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयु के सालीम बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जन साधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहां से कुछ दूरी पर स्वामी मलाई में स्थित अथवा मूर्तिकार उत्तम कास मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु की दीप बना रहे हैं। बात करते हैं मंदिर और तीर्थ स्थान। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि धन अनुदान में देते थे। जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे,
तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था। पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। कांसा घंटा धातु लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और टिन यानी कि रोगे के मेल से बनती है। घंटा धातु में रोगे का अनुपात टिन का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस मूर्ति लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकन मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे से उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था। उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। आपकी मूर्ति तैयार हो जाती थी। कांस मूर्ति जिसमें कृष्ण को नांग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखलाया गया। मंदिरों के कर्ता धर्ता मंदिरों के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगा देते। सने सने समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित पुजारी कामगार शिल्पी व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल्ल स्वामी भेलसा या विदिशा, गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम और मदुरे और आंध्र प्रदेश में तिरुपति। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई या फिर तमिलनाडु, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था। आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे, उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है जहाँ प्राचीन काल से तीर्थ स्थल आते रहे हैं, तीर्थयात्री आते रहे हैं इस स्थल। छोटे नगरों का संजाल। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े नगरों से गांवों से हुआ था। उसमें आमतौर पर एक मंड पिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। उनमें ऐसी गलियां थीं जहां दुकानें एक बार एवं बाजार थे जिन्हें हट बाद में हाट कहा जाने लगा। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों शिल्पियों जैसे कुम्हारों तेलियों शक्कर बनाने वाले ताड़ी बनाने वालों सुनारों लोहारों पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थापित स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े नमक कपूर केसर पान सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। देखिए नगर का एक बाजार का चित्र। आपके यहां इस तरह की लगते हैं? आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों ने इस तरह की अगर आपकी तरफ अभी भी मेला लगते हैं
कई जगह एक दिन स्थायी कर दिया जाता है कि मंगलवार हो फिर यार शनिवार, कोई भी दिन उस दिन को आप बाजार लगता है, लोग बाहर से आते हैं यहाँ अपने सामान बेचने। चलिए बताइए अगर आपके यहाँ लगता है इस तरह। आगे बात करते हैं, आमतौर पर कोई सामंत यानी पूर्ववर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इसके आसपास किलेबंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे और कभी कभी इन करों का संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनान्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता है। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। ये चित्र आपका लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ एक कारीगर। बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है जिसमें बेशुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते जा सकते हैं। शक्कर, गुड़, रंग धागा, रुई नारियल, नमक सुपारी, मक्खन, तिल, तेल और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद रूप में, कुछ आपके वस्तु के रूप में ले लिए जाते थे और कुछ नगद। बात करते हैं बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था इसलिए वे आमतौर पर काफले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे, उनमें सबसे प्रसिद्ध था मणिग्रामन और नाना देशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ 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 भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इसके अलावा चिट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर की बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन से व्यापार करते थे। वे इन पतनों में कपड़े मसाले बेचते थे, बदले में अफ्रीका से सोना और चांदी दांत, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला इसके बारे में हम सीख आगे पढ़ने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए जो भी आपके यहाँ यूरोपीय कंपनी आई वो इसी के लिए आई थी। वो राज करने के लिए नहीं आई थी शुरू में, वो व्यापार करने के लिए आई थी। मसाले बहुत विचलित थे अपने यहाँ के मसाले भारत के। बात करते हैं काबुल। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्गों से जुड़े हुए थे, साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था।
सत्रहवीं शताब्दी में हीरों के एक सौदागर जो बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी और कपड़े, ताजे फल ऊँट पर लाद कर लाए जाते थे और महाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। बात करते हैं नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे बीदर के शिल्पकार कि शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सोनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बड़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा भी राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सलियार, केकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, कातना, रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। पीतल के चित्र जो आप कर चाह रहे हैं, ये पीतल के मोमबत्ती दान पर काला आवरण। चित्र 5, सॉल का बॉर्डर। बात करते हैं शहरों के बदलते हुए भाग। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, गुजरात जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए, लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वर्ष 1704 में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहां के बुनकर इंग्लैंड की मिलों से बनकर आए सस्ते कपड़ों के साथ पित्तीय उग्रता में टिक ना सके। बात करते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य, ये हम्पी के आधे की टूटी हुई दीवार से बोझ का दृश्य, ठीक है चित्र। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी जो नगर आपका है कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाली मसालों का प्रयोग नहीं किया था। शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूथा गया था। देखिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन तब के कारीगर कुछ दिमाग वाले तो होते होंगे बड़े, क्योंकि अभी देखिए कोई भी मकान बना रहा है 100 साल नहीं चल रहा है, गिर जाता है। तब से अभी तक किले खड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ तो कला थी उनमें, ये तो मानना पड़ेगा। बात करते हैं एक किलाबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्रचार प्राचीर वत नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का एक ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीतमय से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें, जिनकी सब छतें सपाट हैं। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों, नहरों के निर्माण में काफी रुचि ली। मालदेवी नदी के ऊपर
1.37 किलोमीटर लंबी मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण हुआ। कृष्ण राव राय ने दो पहाड़ियों के बीच एक विशाल विस्तर बांध का निर्माण विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया, जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों की तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। आगे बात करते हैं, हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के सभी शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुम्बद थे। वह स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। वह सुनियोजित बाग बगीचों में भी थे जिनमें कमल और ट्रोंडों की आरती वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों के हम्पी के बाजारों में मुस्लिम सौदागरों, चिट्टियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारी के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ है, ठीक है। देखिए, मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। देवदासियां विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच की को खोज निकाला जहां राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता था। अधीनस्थ व्यक्तियों ने नजराने उपहार किया लिया करता था। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बराग, बीदड़ के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। वाणिज्य केंद्र क्या होते हैं? वाणिज्य केंद्र एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, उसे हम लोग वाणिज्य केंद्र कहते हैं। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल कैंबे आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत और मुंज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रशासन स्थान द्वार भी कहा जाता है। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे मक्का के लिए। सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों में पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों में से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन, असंख्य मनोरंजक स्थल, सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय है कि सूरत से जारी की हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र से काहिमा, इराक से बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता थी। हुंडी क्या है आखिर? हुंडी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहती थी। हुंडी को कई अनंत स्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अंधपतन प्रारंभ हो गया।
कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्र मार्गों पर नियंत्रण, बंबई वर्तमान में मुंबई से वित्तीय स्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मैथवर्ल्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहां परम पूज ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ है। ना ही यह अच्छी तरह जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत खारे पानी के। पहले एक गरीब मछुआरा नगर था, आगे चलकर जहाँ जहाजों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ स्तर पर आते जाते रहते, यह उनके लिए निवास की व्यवस्था करता है। गुमास्ता यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी आपके गुमास्ता कहलाते थे। गोलकुंडा के कुतुब शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वहां का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कॉमटी चिट्टियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली, तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमला ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेजों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। 1686-87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ साथ वो संबंध बनाए रखें, बल्कि इस बात पर की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करें। जहाँ कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान मुंबई, कलकत्ता वर्तमान कोलकाता, मद्रास वर्तमान में जिसे चेन्नई बोलते हैं चेन्नई चले गए, तब मसूलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया। आज वह एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर से अधिक कुछ भी नहीं है। बात करते हैं नए नगर और व्यापारी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बीरजी बोरार जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए नौशक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज और महाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्तुओं जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आ जाने से
आधिकारिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्तुओं के रूप में रंग और डिजाइन आधिकारिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों को की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य के बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर और सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगर नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थापित स्थानांतरित हुए। ब्लैक यानी देसी व्यापारी और शिल्पजनों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। जब गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए, 18वीं शताब्दी में शिल्प कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम अगले कक्षा 8वीं में पढ़ेंगे। ठीक, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में बंबई की एक सड़क। बास्को डीगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डीगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में एक वर्ष से भी अधिक समय लग गया। वह वर्ष 1498 में कालीकट पहुंचा। अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गए। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। इसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज एक अन्य परिणाम निकला, जबकि किसी को आसान नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता। वह 1452 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंच गए। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाली के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहली वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं अभ्यास के लिए, ठीक है, लगाते रहिए। पीडीएफ टेलीग्राम पर डालिए, वहां से इतना डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आप लोगों ने देखा है मंदिर नगर, नगरीकरण, विश्वकर्मा, वाणिज्य केंद्र, ब्लैक टाउन क्या है। इस तरह के जो भी आपके शब्द हुआ करें उन पर ध्यान दिया करिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों के को समझाने के लिए आपको इतनी कहानी सुनाई जाती है। ठीक, तो ये आपका 6वां चैप्टर था, नगर व्यापारी और शिल्पीजन। आगे बात करेंगे 7वें चैप्टर में जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। ठीक।